नमस्ते फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GS Status एंड स्टूडेंट हेल्प। जैसे आपको पता है, मैं देश की हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ जो लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक आगे से आगे शेयर करना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किन सेमेस्टर को जो पास किया जाएगा और किन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम लेगी UGC। ठीक है, आपको सभी देश की यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देश की हर एक यूनिवर्सिटी की, जो चाहे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में हो, सभी की न्यूज़ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। हाँ जी, पूरी खबर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, देश की सभी यूनिवर्सिटी के बारे में जो न्यूज़ होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, किस आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा, ये भी पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ जी, जैसे आपको ऊपर जो नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है विकास मंत्रालय MHRD ने फैसला लिया है कि देश की सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, जिसके लिए UGC की निगरानी में एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जो नए सिरे से एग्ज़ाम पर गाइडलाइन जारी करेगा। आपको शुरू में ही पता चल गया है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को जो पास किया जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा किस आधार पर उनको जो पास किया जाएगा, सभी आपको गाइडलाइंस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। जैसे आगे दिया हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी, लेकिन कब कैसी होंगी, इसके लिए UGC एक टास्क फोर्स जो बनाया हुआ है, उसके आधार पर वो गाइडलाइन जारी करेगी, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको बताता हूँ फर्स्ट और सेकंड को कैसे पास किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ऐसे होगा प्रमोशन। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले साल के छात्र को 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, दूसरे व तीसरे साल के छात्र को 50% पिछले सेमेस्टर के अंक और 50% अंतरिक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, उसको प्रमोशन किया जाएगा। ठीक है, आपको ऊपर एक न्यूज़ और नज़र आ रही होगी, पंजाब सरकार ने भी साफ कह दिया है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्ज़ाम UGC की गाइडलाइन आने के बाद ही तय होगा। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने जल्दबाजी में परीक्षाओं करवाने का फैसला लिया, जिस उन्हें वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र ने भी CM के आदेश पर, जो बावजूद विवाद बना हुआ है एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो उन्होंने न्यूज़ निकाली थी। ठीक है, फाइनल सेमेस्टर पर UGC का गाइडलाइन के बाद ही साफ होगा कि उनके पेपर कब और कैसे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी तो आगे से आगे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।